48 43 भी बोल देते हैं, कोई 43 बोलता है, 48 बोलता है। शिवानी एक बार देखना वीडियो चालू कर दी इन्होंने। चलिए भाई क्लास बस भाई, अब मेरे को कोई भी बच्चा बात करता नजर ना आए, मैं आपको कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने जा रहा हूं। तो लिख लीजिए, आज रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लिखो, देखो चुप होने का नाम नहीं है ना बिल्कुल भी, हर्ष पिटाई हो जाएगी। हर्ष तो आ गया, आजा तू, आप फोन चलाते पीछे तो वैसे भी, आजा आजा तो बिल्कुल यहां बैठ। भाई लास्ट क्लास की पीडीएफ सेव नहीं थी क्या? इसके बाद तो मैं करवा चुका हूं ना तुम्हें इधर। भाई लास्ट क्लास वाला पीडीएफ नहीं भेजेगा आप लोगों को? देखिए भाई हम लोग, अरे बस भाई, वी आर अबाउट टू फिनिश चैप्टर नंबर 5, लगभग चैप्टर नंबर 5 एंडिंग स्टेज पे है, मतलब कि 2-3 क्लास मैक्सिमम लगनी है, उसके बाद खत्म है चैप्टर। आज की क्लास मिला के बता रहा हूं मैं। अब सुनो, ऐसा है, हम लोगों ने अल्कोहल जो था वो पूरा फिनिश करा है, प्रिपरेशंस भी, केमिकल रिएक्शंस भी, फिनोल्स की भी प्रिपरेशंस भी, केमिकल रिएक्शंस भी, एंड वी आर डिस्कस अबाउट द एसिडिटी ऑफ द फिनोल्स एंड द अल्कोहल्स एज वेल। तो हमने इन दोनों क्लास ऑफ कंपाउंड की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, एसिडिटी सब डिस्कस कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया, वो लास्ट में कराऊंगा सबकी। शुरू कर दिया था ईथर, निखिल बस भाई, ईथर्स। अब ईथर्स क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि बच्चों जो ईथर्स क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, इनको हम लोग बोलते हैं आरओआर, या तो आरओआर बोलो या आरओ आर डैश बोलो। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है तो इट्स अ सिमेट्रिकल ईथर, इट्स अ सिमेट्रिकल ईथर। और अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो इट्स अ अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब जिसके दोनों तरफ ईथर के अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, सेम हो तो बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को याद आ रहा है कुछ? मैंने स्टार्ट करवाई थी बच्चों प्रिपरेशंस, ढंग से सुनना, मैं बोल रहा हूं ना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब कुछ रीजन है। अब प्रिपरेशन के अंदर जो मैंने पहला आपको केस करवाया था वो था फ्रॉम अल्कोहल्स, याद करते चलो, फ्रॉम अल्कोहल्स। अगर पीडीएफ नहीं मिले तो मैं आज भेज दूंगा इसकी, फ्रॉम अल्कोहल्स। अब बात ऐसी है, ए फ्रॉम अल्कोहल्स में याद करो, मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर मान लो मेरे पास ये अल्कोहल है और मैं इसके साथ में रिएक्शन कराता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में लेता हूं, जो कि आप जानते हो डीहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव करने में मदद करता है।
और लेकिन टेम्परेचर में यहां पर लेता हूं 443 केल्विन। और दूसरा एक केस है मेरे पास बच्चों, जिसमें मैं लेता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और मैं टेम्परेचर साथ में लेता हूं 413 केल्विन। तो बच्चों दोनों में आंसर अलग आते हैं। हाइयर टेम्परेचर पे चीजें क्या होती हैं? एलिमिनेट होती हैं। भूलिए मत, हाइयर टेम्परेचर पे चीजें बोलो क्या होती हैं? एलिमिनेट। इसमें से वाटर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है और अल्कीन बनती है। कैसे निकलता है? इस कार्बन से OH निकलता है, बगल वाले से H निकलता है, मतलब इससे OH निकलेगा और बगल वाले से H निकलेगा, तो बोलो क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या? H2O। कुछ याद ही नहीं आ रहा सर? आ रहा है ना, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, 3-2 क्लास का गैप आया, तो उतने में हो सकता है, 3 दिन का गैप है, क्लास तो एक ही गैप है। समझ में आ गई वाली बात? उसके बाद अगर बात करें हम इसकी 413 केल्विन पे, तो आप लोग जानते हो 413 केल्विन पे क्या बनेगी? ईथर बनेगी। एलिमिनेशन नहीं होगा, बोलो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि यहां पर उसको सब्स्टिट्यूट करने का मौका मिलता है। और मुझे बताइए रिजल्ट क्या आता है? तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल इमेजिन करो इसके, इसके कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल। ए क्या उसकी कॉलर ठीक कर रहा है? CH3 CH2 OH है, दो अल्कोहल है, तो दो अल्कोहल में क्या होगा बोलो? इसमें भी वाटर निकलेगा, लेकिन किस तरीके से? ए बस भाई अभी रुक जाओ, तुम तो पूछूंगा क्वेश्चन, तो बताओ तुम्हें। CH3 CH2 OH, अब मुझे बताओ इन दोनों में से क्या निकलेगा? अरे नहीं आ रहा, क्या समझ में? तो H2 निकल गया। मुझे बताओ क्या बना? आंसर बोलो, आंसर बोलो। CH3 CH2 फिर आएगा O, फिर CH2 CH3 प्लस में क्या? इसके मैंने हालांकि आपसे मैकेनिजम्स भी डिस्कस किए थे, लेकिन अभी बस मैं मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों से बस इतनी बात में चाहता हूं कि आप लोगों को बताओ, अल्कोहल को जब 413 केल्विन पे, 443 केल्विन पे लूंगा तो सर अल्कीन बनती है, और जब मैं 413 केल्विन पे लेता हूं तो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं और वाटर उनमें से निकल जाता है। याद आ रहा है, एक मॉलिक्यूल पीछे से उसके ऊपर अटैक करता था और वो जुड़ के ईथर बनाते थे। नहीं आ रहा याद सर मुझे, हमने लास्ट क्लास पढ़ा ये। ठीक, अब मेरी पूरी बात सुनो। ये जो मेथड था मैंने आपको बोला था, इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बनाने में प्रॉब्लम थी। क्योंकि सर अगर ये दो वाला है तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी दो वाला ही होगा, और दो वाला जब दो वाले पे अटैक करेगा तो दो दो आएंगे इस तरीके से। अगर मैं नहीं आ रही बात समझ, अगर अगर मैं चाहता हूं अनसिमेट्रिकल हो, एक तरफ दो हो और एक तरफ एक हो, तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे को एक तो लेना पड़ेगा ये और एक लेना पड़ेगा ये। याद आ रहा है? अब अगर इनमें से H2 निकलेगा तो एक तरफ दो होंगे और एक तरफ बोलो क्या होगा? एक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर ठीक है ये बन जाएगा, सर बन तो जाएगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों से H2 निकलेगा तो। लेकिन सर इसका मॉलिक्यूल इसके खुद के मॉलिक्यूल से भी तो डिहाइड्रेट हो सकता है ना, तो इसका मॉलिक्यूल जब इसके खुद के से हुआ होगा तो एक और आंसर आया होगा इस मिक्सर में, इस कंटेनर में एक और आंसर आया होगा, वो आया होगा ये वाला। और सर इसका मॉलिक्यूल इसके खुद से डिहाइड्रेट हुआ होगा तो बोलो क्या होगा? CH3 OCH3। याद नहीं आ रहा कुछ भी तुम लोगों को? तो बहुत सारी ईथर बन जाएंगी, तो अनसिमेट्रिकल ईथर बन तो जाएगा, मना नहीं है, लेकिन उसके साथ में मिक्सचर मिलेगा हमें कई सारे ईथर्स का, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इज दिस फाइन? नहीं आ रही बात समझ में? तो मैं ये पहली वाली रिएक्शन बस रिपीट करानी थी थोड़ी सी, तो मैंने आपको याद दिला दिया 443 पे क्या होगा, 413 पे क्या होगा, 413 पे क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? अब आ जाओ आज के रिएक्शन पे, और ये आज की रिएक्शन सबके लिए बिल्कुल नई रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान देंगे सब बच्चे। सो गाइज, इसका नाम है विलियमसन, केन विलियमसन नहीं है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब मेरी बात सुन लो भाई, या तो ये विलियमसन या इससे अगली कराऊंगा एक रिएक्शन, दो रिएक्शन। मैंने मेरे को जितना आइडिया लग रहा है, मैंने जितना तक पेपर देखे हैं, आज तक कभी नहीं हुआ कि CBSE ने इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन ना दिया। मतलब एक रिएक्शन तो CBSE का फिक्स है आने, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि 150 टॉपिक्स के अंदर, लगभग लगभग 150-200 टॉपिक्स आपकी पूरी बुक में, इतने सारे टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे फिक्स होते हैं जो CBSE हर बार दे रही है, तो उनमें से दो टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा विलियमसन ही आएगा, लेकिन या तो अगला आएगा या विलियमसन आएगा, बिकॉज ईथर में कुल मिला के तीन रिएक्शन है और उनको हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड से एक क्वेश्चन जरूर देना है, तो विलियमसन और उसमें से कोई एक जरूर आता है, और ये रिएक्शन ऑफ जो 4413 और 443 ये भी इंपॉर्टेंट ही उतना ही, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, ध्यान समझना बच्चों, आपको मैं रिएक्शन दिखाता हूं, ध्यान सुनना सब बच्चे। चलो, इस क्लास ऑफ कंपाउंड को जानते हो कौन है? ध्यान दो यहां पर, दिस इज हैलोल्केन RX। अभी भी अगर ये नहीं पता होगा तो बहुत भैया आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो RX मतलब कोई कार्बन चेन है और X माने हैलोजन है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ हैलोल्केन, ध्यान ले लीजिए आप जो दो बच्चे ने,
ये कार्बन चेन है और हैलोजन है, बाकी सब बच्चों को तो पता होगा भाई। दूसरी चीज ये बताना कौन है, ये थोड़ा बताना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये मैंने कभी बनवाया है तुम्हें, मैंने ही कभी बनवाया है, ये मैंने कभी बनवाया है तुमसे, इसी चैप्टर में बनवाया है। कौन सी वाली में? अरे बोला करना बुरा, वैसे तो इतना बोलता है। कौन सी वाली? नाई वाली। कौन बच्चा बताएगा मैंने आर ओ एन ए कहां बनवाया? कहां पहले कब बनवाया है, किस टॉपिक में बनवाया है? पढ़ते नहीं हो तुम लोग, इसी चैप्टर में। शिवानी ने बनने पलट लिए मिल गए सर मेरे को रिएक्शन। यार एक बात याद करो, कौन सी वाली बनाई शिवानी? हाँ बता दो, कोई नहीं, ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कहाँ बनवाया था। एसिडिटी वाले टॉपिक में नहीं बनवाया? जब एल्कोहल्स की मैं एसिडिटी पढ़वा रहा था तो एल्कोहल्स जब बेस से रिएक्ट करते हैं, बेस से, ए बस तो याद करो ये तो बेस है, और मैंने बोला था ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो बोलो इन दोनों से क्या निकलेगा? वॉटर। अरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना, नहीं होता? जरा बताना क्या निकलेगा, हो गया वाटर निकल गया। आपको ये भी नहीं आता, मैं तो ये भी नहीं पढ़ा हमने तो कभी, ये वाटर हो गया और आर ओ एन ए बना जिसमें ये प्लस है और ये माइनस है। अगर आप लोगों को याद है, ऐसे नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद कर लो यार किसी तरीके से, तो हाँ ही भर लो। जब मैं बता रहा था कि कैसे पता लगा कि अल्कोहल एसिडिक नेचर के, तो सर जब इन्होंने बेस से रिएक्शन करा या हाइड्रोजन से रिएक्शन, सॉरी मेटल से रिएक्शन करा, तो दोनों केसेस में इन्होंने सॉल्ट बनाया था आर ओ एन ए। तो याद करो, अब तो समझ में आएगा, H2O निकलेगा इस तरीके से, ऐसे H2O निकलेगा, और बोलो क्या बनेगा? CH3ONa प्लस में बोलो क्या? H2O, ये प्लस और ये माइनस। वैसे तो जरूरत नहीं है उसको बताने की, लेकिन बच्चों को लगे ना कि सर ये कहां से आए आर ओ एन ए, तो मैं बता देता हूं, जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं किसी बेस से, बेस भी कौन सा मान लो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यार ये बहुत बेसिक रिएक्शन है, 10th क्लास में बच्चों को एसिड बेस रिएक्शन बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो एसिड है वो बेस है, दोनों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2O निकलेगा और सॉल्ट बनेगा, H2O निकलेगा और क्या बनेगा बोलो? तो ये बेस है वो एसिड है, निकल गया बच्चों वाटर बन गया RONa, RONa में आप जानते हो Na प्लस का रहेगा, ऑक्सीजन माइनस का, क्योंकि सर सोडियम तो भैया इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मुझे सब ये बताओ, ए इधर भाई, ए बच्चों बता दे, इसका नाम है सोडियम, भाई ये कुछ बच्चे बातें करना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हो, ये होता है सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ऑक्सीजन साथ में, तो सोडियम अल्कोक्साइड, ये तो कौन है बोलो? सोडियम अनुराग इधर, और ये कौन है बोलो? हेलो अल्केन, ये है हेलो अल्केन, बस इन दो के बीच में होनी है रिएक्शन, और क्या रिएक्शन होगी? सर SN2 अटैक में आता है अच्छे से, हेलोजन जो है वो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है उनको पता है, जिनको नहीं पता है सोच लो, हेलोजन जो होते हैं वो कार्बन चेन से या कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो बॉन्ड को छीनेंगे, बॉन्ड को अपनी तरफ छीनेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, तो ये बनेंगे नेगेटिव, और ये कैसा बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड है और बी ए से बोलो क्या है, ए बी ए से बोलो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब वो बॉन्ड तोड़ेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा, इसका भी लेके जाएगा, पूरा जोड़ा लेके जाता है, पूरा पेयर लेके जाता है, तो बी के पास वो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, माइनस एक आएगा, बिकॉज वो एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक तो खुद का है, और ए के ऊपर बोलो क्या आएगा? प्लस। 50 बार ये बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस एक्स ने अगर लिया भैया पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इस पे आया माइनस, इस पे क्या आया बोलो? प्लस। ऊपर से इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और एनी के ऊपर प्लस है, तुम मुझे बताओ ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अरे बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, विलियमसन बहुत इंपॉर्टेंट है माना, लेकिन रिएक्शन भी बहुत आसान है। तो मैंने हैलोजन यहां से निकाला, इस आर पे आया प्लस, अगर आर पे आया प्लस तो वो माइनस वाली चीज उसके ऊपर अटैक करेगी, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? आर ओ आर, बोला आएगा कि नहीं आएगा? प्लस में NaX, पहला काम समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। एक बार जनरलाइज करते हैं, आ जाओ मुझे बताओ, अब मतलब पर्टिकुलर केस करते हैं, इसका आंसर बताना। अच्छा इसका नाम बोलना एक बार सब बच्चे, इसका नाम बोलो, ये होएगा सोडियम अल्कोक्साइड ना, तो अल्काइल कौन सा बोलो? इथेनॉल है, सोडियम इथोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे बोलो?
अरे यार सोडियम अल्कोक्साइड अल्क लगा दो, अल्क मतलब इत वाला है, इत है भाई, तो इथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, ब्यूटोक्साइड, नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, सोडियम इथोक्साइड। अब सुनो भाई किसके ऊपर अटैक करेगा, सर ये आगे से निकलेगा, ये CH3 पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, मुझे बताओ जरा क्या आएगा, सब बच्चे क्या आएगा बोलो, आंसर बोलो, CH3 CH2 ओ CH3 प्लस में बोलो क्या, NaCl। और इस मेथड के थ्रू मैंने सीधा आपको अनसिमेट्रिकल इथर बना के दिखाया, इसका मतलब यहां पर अनसिमेट्रिकल इथर ही बन जाएंगे और सिमेट्रिकल इथर ही बन जाएंगे, दिस इज विलियमसन इथर सिंथेसिस। अब आप कहेंगे सर ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों है पेपर में, हर बार क्यों दे रहे जब इतने आसान है, तो बच्चों कुछ तो ट्विस्ट होगा इस टॉपिक में ना, कुछ तो कुछ अच्छा होगा इसमें भी जो ये आपको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस टॉपिक की ना, तो आप बस मुझे पहले बताओ, पहले वाली बात तो मैं समझ में आगे से बच्चों को, इस रिएक्शन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है ना, देखो करके दिखाओगे एक करना, इसका आंसर करना, बताना क्या आएगा, बता भाई लखन, हाँ बोलो, नहीं कुछ नहीं है, आ जाओ, अरे बच्चों इसका आंसर बताओ, सब बच्चे क्या करके आए हैं, ये गया इधर और ये गया इधर, सही हुआ है, सही हुआ है मान्य, बताओ क्या आंसर आएगा, CH3 सी पे CH3, दिस इज CH3 ओ, अटैक इस पे हुआ है बच्चों, देखो जहां से क्लोरीन निकलेगा जिस कार्बन से, यार शोर मत करो प्लीज, क्लोरीन जिस कार्बन से बॉन्ड तोड़ के जाएगा उसी में तो प्लस आएगा ना, नहीं है समझ में, और वो ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा इस प्लस वाले कार्बन पे, तो बोलो आंसर क्या आएगा, CH2 CH3 प्लस में बोलो कितना, NaC, नहीं बल्ले पड़ा, फिर क्या ट्विस्ट है, समझ में आ गया यहां तक का, यहां तक का समझ में आ गया कि नहीं आ गया, शिवानी कोई डाउट है, सब बच्चों को क्लियर है। अब सुनिए भाई असली बात, ये वाली बात तक सबको बात समझ में आ गई, अब असली चीज सुनिए क्या चीज है, देखिए आप लोगों को एक बात पता लगी कि इस रिएक्शन के अंदर ना मेरे पास होगा एक सोडियम इथोक्साइड करके ग्रुप और एक मेरे पास होगा सर RX, और बड़ा सिंपल सा फंडा चल रहा है सर कि ये यहां निकलेगा तो इस पे प्लस आएगा और इस पे प्लस आएगा तो पीछे से माइनस वाली चीज आगे से जुड़ेगी और सर ये बनाएगा ROR प्लस में बोलो क्या बनाएगा, NaX, क्योंकि सर ये प्लस का होगा और वो माइनस का तो न्यूट्रल तो हो ही जाना है वैसे भी। अब सुनो यार यहां पर ध्यान सुनो, तुम मुझे एक बात बताओ, वो निकल रहा है और ये पीछे से अटैक कर रहा है तो तुम एसेंटो अटैक के बारे में जानते हो, ये एसेंटो अटैक होता है कि एक चीज निकले और दूसरी चीज उसका सब्स्टिट्यूट हो जाए, ऐसा ईथर के केस में भी हुआ था, याद करो जब ईथर वाला 413 वाला केल्विन वाला मैंने मैकेनिज्म करवाया था आपको, तो एक बात याद रखिए यार, देखो जिस चीज पर अटैक करना है, अब ये बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं ध्यान सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज पर अटैक करना है, अटैक किस पे करना है बोलो, इस अल्काइल ग्रुप पे, तो ये अनहिंडर्ड होना चाहिए, अनहिंडर्ड मतलब कि इस पे भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए, भीड़भाड़ किस पे नहीं होती, प्राइमरी पे, किस पर होती है, सेकेंडरी और सेकेंडरी टर्शियरी, कैसे सर ये है प्राइमरी, यार कुछ बच्चे बातें करे जा रहे हैं, मैंने बोल दिया है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिर भी, ये वाला बोलो कौन सा है, 3 डिग्री है ये वाला और ये वाला, तो वो कहते हैं जिस पर अटैक करने इट शुड बी अनहिंडर्ड, उसके ऊपर हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, और हिंड्रेंस किस पे होती है बोलो, 2 डिग्री पे, और अगर यहां 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला कोई भी हैलोजन हुआ तो इनके कार्बन पे ना अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, इन बल्किनेस की वजह से, इन बल्कि ग्रुप की वजह से, कैसे अटैक करोगे यार इस कार्बन के ऊपर यूं लाके, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोला है कि नहीं,
तो हम ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में ईथर सिर्फ तब बनता है, इस रिएक्शन में ईथर सिर्फ तब बनता है जब ये वाला प्राइमरी हो, ये वाला बोलो क्या हो, अगर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री हुआ तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। जस्मिन, अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ तो इसके ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा और ईथर नहीं बन पाएगा, समझो मेरी बात को, तो इट मस्ट बी 1 डिग्री। बट अब मुझे बताओ जो अटैक कर रहा है उसको तो भैया क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो। सो गाइस ध्यान रखना, जो मेरा सोडियम अल्कोक्साइड वाला ग्रुप है ना, इट मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री व्हाटएवर। मैंने भी पिछले केसेस में बताओ, ये 1 डिग्री वाला लिया था मैंने, ये वाला 3 डिग्री वाला लिया था, तो इट मे बी 1 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी चलेगा यार, ये इसको तो अटैक करना है, लेकिन जिस पर अटैक करना है इट मस्ट बी 1 डिग्री, इट कैन नेवर बी 2 डिग्री। और मेरी बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई मेरी बात समझ में? ध्यान रखना, जिस पर अटैक करना है, अटैक किस पे करना है, हेलोल्केन पे, तो हेलोल्केन मस्ट बी अनहिंडर्ड, इट मस्ट बी 1 डिग्री, इट कैन नेवर बी 2 डिग्री और 3 डिग्री। और जो पहले वाला है वो क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी चल जाएगा, उसको अटैक करना है, जिस पर करना है वो भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब आप कहेंगे सर चलो चलो बात समझ आ गई आपकी, आपकी बात समझ आती है, उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी ले लूं, ये 1 डिग्री होना चाहिए तब जाके इतना बन जाएगा। लेकिन सर अगर एग्जामिनर ने इसको 2 डिग्री 3 डिग्री दे दिया तो क्या होगा, दे सकता है ना वो भी, तो ऐसे में ईथर नहीं बनेगा, ऐसे में ईथर तो क्या बनेगा, कुछ और बनेगा, है ना, तो वो देख लेते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। तो हम कहते हैं व्हेन व्हेन हेलो अल्केन इज 2 डिग्री और 3 डिग्री, सो ड्यू टू हिंड्रेंस ईथर इज नॉट फॉर्म्ड, देन क्या होगा भाई, आ जाओ ए बस भाई, अगर मान लो ये मेरे पास है सोडियम अल्कोक्साइड वाला ग्रुप, अरे यार इसकी टेंशन लेनी नहीं है, ये तो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, ढंग से सुन लो, मैं क्वेश्चन तुमसे ही करवाने वाला हूं अभी, अभी ये 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई पहले वाले से, दूसरे वाला बस क्या रहना चाहिए 1 डिग्री अगर ईथर जाते हो तो, बट अगर वो 2 डिग्री या 3 डिग्री आ गया तो क्या करे सर, तो आ जाओ अगर मान लो वो 3 डिग्री है, सपोज करते हैं 3 डिग्री है, चलो बताना आप लोग बताना मुझे, बताओ जरा क्या प्रॉब्लम आने वाली है इसमें, प्रॉब्लम बताओ सर, ये सीएल तो निकल जाएगा, इस कार्बन में पॉजिटिव भी आ जाएगा, लेकिन यार ये अटैक नहीं कर पा रहा, ये अटैक क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या है, भीड़ भाड़ है, हिंड्रेंस की वजह से अटैक नहीं हो पा रहा, तो अटैक नहीं हो पाएगा तो क्या वो अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा क्या, वो तो निकलेगा, सीएल तो पक्का निकलेगा, ये बात तो गारंटी है भाई, इस कार्बन में प्लस भी आएगा और ये नेगेटिव वाली चीज से जुड़ नहीं पा रही, तो मुझे बताओ कार्बन अपने आप को और किस तरीके से स्टेबलाइज कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन, बहुत अच्छे, ऐसी चीजें याद होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब बढ़िया बनेगी आप लोगों की। पहले क्या मैंने आपको नहीं बताया कि अगर ये सीएल निकलेगा इस कार्बन में प्लस आएगा तो या तो नेगेटिव जुड़ जाता तो वो स्टेबल हो जाता, और अगर नेगेटिव नहीं जुड़ पा रहा तो वो क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन। क्या होती है हाइपर कंजुगेशन, जैसे ही इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा आपको पता है बगल वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन बोलो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। बस मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि मैं हाइपर कंजुगेशन बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मुझे बताओ जैसे इसके ऊपर प्लस आएगा बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे देगा इसको, और मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, याद है CH3, और यहां से बोलो क्या निकलेगा, H+, क्या निकलेगा, बोले तो नहीं हो, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा होता है कि ये मेरे पास जो कार्बन है ए इधर, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड पूरा यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इसके तो 4 ही बॉन्ड रहेंगे, इसके भी कितने रहेंगे, 4, और यहां से बोलो क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बोलो, अरे अरे बता रखा मैंने तुम लोगों को तसल्ली से, तो मुझे तुम बस ये बताओ, ये तो बन गया ऐसा, जो H+ निकला खुद सोचो किससे कंबाइन होगा, O- से, क्योंकि ये भी ढूंढ रहा है किससे कॉम्बिनेशन के लिए, तो वो जो नेगेटिव वाला है नहीं उससे नहीं मिलता, क्योंकि Na और Cl का आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, तो वो बन जाएगा यहां पर ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा, और मुझे बताओ Na+ और Cl- क्या बना लेंगे, हो गए सारे कॉम्बिनेशन। लेकिन मुझे बताओ जरा ये अल्कीन कब बनेगी, जब हमारा हेलो अल्कीन 2 डिग्री या अदरवाइज अगर 1 डिग्री हुआ तो हमेशा इसमें क्या बनेगी बोलो, ईथर। तो एक बात बड़ी क्लियर होगी सर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बस यही है, वैसे बता रहा हूं आपको, बस ध्यान रखना है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में होता कैसा, बच्चे भाई रिपीट कर रहा हूं 2 मिनट में, मैंने बोला कि मेरे पास एक सर सोडियम अल्कोक्साइड है, एक मेरे पास हेलो अल्कीन है, सर हेलो अल्कीन में हैलोजन बॉन्ड लेके निकलेगा, इसमें प्लस आएगा, पीछे से वो अटैक करेगा, अगर सर ये 1 डिग्री हुआ और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 1 डिग्री होना चाहिए, तो सर ईथर बनेगी, तो क्या बनेगी बोलो, ईथर, समझो। लेकिन अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री में से कुछ हो गया उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट ये 1 डिग्री होना चाहिए था, अगर लेकिन ये 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो ऐसे सूरत हाल में आप लोग जानते हैं ये ईथर नहीं बना पाएगा, हिंड्रेंस के कारण ईथर
तो ऐसे में क्या बनेगा, ऐसे में बनेगी अल्कीन। कैसे बनेगी, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। अटैक नहीं कर पाएगा लेकिन ये निकल जाएगा, जैसे इसमें प्लस आएगा लेकिन कोई जुड़ नहीं पाएगा तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो जाएगा, उसका माइनस फिर उसके हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा जो एच प्लस निकलेगा हाइपर कंजुगेशन के दौरान, और एन ए प्लस और सीएल माइनस मिलकर बोलो क्या बनाएंगे, एनएसीएल बनाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो रहा सर, क्लियर? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन दूंगा अभी, चिंता मत करो, सबको बात समझ में आ रही है तक की? एक बात और सीख लो लास्ट, अगर बच्चों ऐसा आ गया, अरे ये भी तो बन सकते हैं, सोडियम फिनोक्साइड, फिनाइल ग्रुप है ना, फिनोल वाला, तो ये क्या है बोलो, सोडियम फिनोक्साइड। कहेंगे सर ये कैसे बन गया? अरे यार जैसे ROH से ROH से RON ने बना, फिनोल OH से मतलब बेंजीन OH से क्या बना, बेंजीन OH ने। अरे हाँ ना, कुछ तो करा करो, ये रिएक्शन देख लेना तुम, पन्ने पलट के मैंने करवा रखी है तुम लोगों को, ये OH निकला, ये H निकला, देख लो पीछे पन्ने पलटो याद आ जाएगा ONA, पढ़ के आए करो थोड़ा सा। अब सुनो, ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड, ये है मेरे पास यहां पर कोई भी ग्रुप, चलो बोलो बोलो निकलेगा, बोलो क्या बनेगा, ठीक है? नहीं वो उसी रूट है यार, चलो क्लियर, क्वेश्चंस करो, लिखो सभी बच्चे, करो जल्दी से, जास में मत लगाना।
चेक कर रहा हूँ कैमरे में कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। ये जो लखन सर हेड डाउन करके लेटा हुआ है ना, बताइए मैं उसको। सब दिखता है कौन क्या कर रहा है, सारी एक्टिविटी दिखती है, बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। और धोखा तो बच्चे दे रहे हैं ना, क्वेश्चन देके आ रहा हूँ। इस वीक में बच्चों ओए। चलो भाई अब आप लोग मुझे आंसर बताएं, मैं बस आप लोगों से एक बात पूछूंगा, जिससे पूछू उसको बताना है कि ईथर बनेगा या अल्कीन बनेगा। ठीक है, ईथर बनेगा या अल्कीन। चलिए पहला शुरू करते हैं, हर्ष ईथर या अल्कीन? ईथर बनेगी भाई, सही कह रहा है हर्ष या नहीं कह रहा? किसी के अकॉर्डिंग अल्कीन बननी है तो ये बहुत सिंपल है, सी एल यहां से निकलेगा सर, ये 1 डिग्री है, अटैक इसके ऊपर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा CH3OCH3 प्लस में NaCl। मुझे अगले का आंसर करेगी यशिका। यशिका ईथर या ईथर? ए भाई चुप हो जाओ प्लीज। CL निकलेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा, आंसर बोलो क्या आएगा? CH3O अच्छा मेरा सवाल है आप लोगों से, ये सवाल है मेरा लखन से। लखन जो पहले वाला जो वो है सोडियम इथॉक्साइड, वो तो 2 डिग्री है, फिर कैसे इतर बन गया? देखो उधर वाले से याद मत करना, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि इधर कर दे और वो उधर कर दे। जिस पर अटैक हो रहा है, अटैक किस पे हो रहा है? हैलोकेन पे। वो सर बस 1 डिग्री होना चाहिए ना, पहले वाला 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री कुछ भी चलेगा। चलिए अगला, अगला मुझे बताएगा सचिन। हाँ सचिन चल भाई बता भाई, ईथर नहीं बनेगा तो? ईथर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? चल आंसर बोल। यहां से सीएल निकलेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे जो प्लस आएगा लेकिन अटैक नहीं हो पाएगा, रहने इधर, इस पे अटैक नहीं हो पाएगा। जब इस पे अटैक नहीं हो पाएगा तो इसमें हाइपर कंजुगेशन होगी, और हाइपर कंजुगेशन से बताओ क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फाइन, नहीं समझे मेरी बात को? इसके बाद मुझे बताना जरा क्या होगा, जो यहां से H प्लस निकलेगा वो कंबाइन हो जाएगा इसके ऑक्सीजन से और बन जाएगा CH3CH CH3OH, और प्लस में मुझे बताओ जरा क्या बनेगा? NaCl। अगर ये सब आप बना पा रहे हो ना, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, यही करके दिखाना होता बस, किसी में ईथर बनते किसी में अल्कीन बनते। नहीं अरे बस समझे,
वंशिका बताएगी अगला, ईथर बनेगी, अल्कीन बनेगी, अल्कीन बनेगी। चलो भाई एक क्लास इधर, ये 3 डिग्री है इस बार, अगर ये 3 डिग्री या 2 डिग्री होता तो आप लोग जानते हो कि ऐसे में ईथर नहीं बन सकता। गाइस देखो जिनका हो गया है बातें नहीं करनी आप लोगों को, बोर्ड पे देखना है। सो यहां से ये निकलेगा बट इसके ऊपर ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये हाइपर कंजुगेशन करेगा और ये बनाएगा अपने आप को कुछ इस तरीके से। किसी बच्चे को कोई भी इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बोलो भाई। CH3 CCH3 नीचे CH3 O के साथ में H और बनेगा NaCl। अब भाई देखो जरा इसका बताओ भाई, ईथर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ईथर, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड निकलेगा ये इसके ऊपर जुड़ेगा। मैं नहीं बना रहा हूं, बना लेना अपने आप। इसमें बताओ ईथर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। तो ये यहां से निकलेगा, ये बनाएगा अल्कीन। क्या ही मुश्किल है, इस O के साथ, इस O माइनस के साथ जुड़ जाएगा H। क्या दुविधा है बोलो भाई, बोलो बोलो, सबको क्लियर हो गया? ये था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इससे बाहर नहीं आता विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कुछ भी, बस ये आता है तो काम चल जाएगा, नहीं आता फंस जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ए बच्चों प्लीज यार शोर नहीं है। इससे पिछली रिएक्शन में मैंने तुम्हें क्या बनवाया था? ईथर। इस वाली में क्या बनवाया? ईथर। तो प्रिपरेशन तो ईथर की यही है, दो ही है, या तो अल्कोहल से डिहाइड्रेट करके बनवा लो या फिर आप लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस करके बनवा लो। नंदनी बात समझ में आ गई दोनों? अब एक चीज बची है बस, वो है रिएक्शन ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, एक ही रिएक्शन है भाई, एक ही रिएक्शन है। दिस इज रिएक्शन विद एच आई। देखते हैं, कोशिश में पूरी करूंगा, हमारी खत्म हो जाए रिएक्शन ये 20 मिनट के अंदर, थोड़ी सी टाइम लगाती है रिएक्शन ये, हंसे 5 मिनट और ऊपर हो जाएगा हुआ तो। ठीक है चलो लिंक कर लेते हैं, है ना, शुरू कर लेते हैं। तो भैया रिएक्शन विद एच आई करनी है। अब एच आई कैसे करनी है, ढंग से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहा हूं मैंने, बोला है तो विलियमसन या फिर ये वाले एग्जाम में आएगी। अब ध्यान से बोर्ड पे सुनो, मान लो बस सीधा बोलते हैं रिएक्शन विद एच आई। मान लो मेरे पास एक ईथर है आर ओ आर डैश और इसका रिएक्शन हो रहा है एच आई से। देखिए एक बात बड़ी सिंपल सी है, कभी ईथर को रिएक्ट अगर करना हुआ, कभी अगर ईथर को रिएक्ट करना हुआ, ढंग से सुनना, अगर ये शुरुआत निकल गई कुछ समझ में नहीं आएगा इस रिएक्शन में, तो ईथर किस पैटर्न पे रिएक्ट करेगी कि उसको पता है कि मेरा इधर भी ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड है, इधर भी कार्बन का बॉन्ड है। और आपको पता है ऑक्सीजन कार्बन से बोलो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड लेगा, या तो ऑक्सीजन यहां ले जाएगा इस वाले कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा, तो O पे आएगा माइनस, R डैश पे क्या आएगा प्लस। ये क्या पॉसिबिलिटी बनती है बोलो, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है बोलो, R O R डैश है तो ये बॉन्ड यहां से छीनेगा, O पे आएगा माइनस और R पे क्या आएगा प्लस। मतलब कुल मिला के मेरी बात ये है कि जो मेरे पास ईथर है ना उसके अंदर जो बॉन्ड टूटना है ना, वो या तो बॉन्ड टूटेगा इस एंड से, और अगर ये वाले एंड से टूटा तो ये माइनस का बनेगा प्लस वाली चीजों से जुड़ जाएगा, और ये वाला आर डैश मेरा प्लस का बनेगा माइनस वाली चीज जुड़ जाएगा, या बॉन्ड टूटेगा यहां से यहां से यहां से ये वाला, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड तो टूटना है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? लेकिन कौन सा टूटना है ना, यही सीखना है इस रिएक्शन के अंदर हमें। सो मैंने बोला जैसे मेरे पास आर ओ आर डैश है, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा ना, इसका रिएक्शन का रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट ये बॉन्ड यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो मुझे बताओ जरा मेरा रिजल्ट क्या आया बोलो, आर ओ के साथ, क्योंकि ओ पे आया होगा माइनस, ओ पे क्या आएगा, क्यों आया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें माइनस आया होगा, इसमें प्लस आया होगा, तो माइनस वाली चीज जुड़ेगी एच प्लस से। अरे क्योंकि एच आई कैसे टूटेगा बादल इधर, एच आई कैसे टूटेगा, आई पे माइनस एच पे प्लस, अरे एच सी एल की तरह तो है एच आई, तो एच प्लस किससे जाके जुड़ेगा बोलो, ओ से। मुझे बताओ क्या बनेगा, आर ओ एच, और मुझे बताओ क्या बनेगा, आर डैश आई, क्या बनेगा बोलो। तो इसका मतलब ईथर के अंदर जो दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ईथर के अंदर जो दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उसमें से एक अल्काइल ग्रुप बनाता है अल्कोहल और एक बनाता है हेलो अल्केन, क्या बनाता है बोलो। लेकिन कौन सा वाला हेलो अल्केन बनाएगा और कौन सा वाला अल्कोहल, यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। ढंग से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बच्चों बॉन्ड यहां से टूटता, मुझे आंसर बताना क्या आएगा, अगर बॉन्ड यहां से टूटता तो आंसर क्या आएगा बताओ जरा, अगर यहां से टूटा तो आर डैश ओ एच आएगा और आर आई आएगा, क्या आएगा बोलो, आर आई, तब मेरा हेलो अल्केन बनाएगा पहले वाला, और दूसरे वाला बोलो क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो आंसर बदल गया यार,
डिपेंड कि कौन सा अल्कोहल बनाएगा और कौन सा वाला क्या बनाएगा, बोलो हैलोल के, तो इन दोनों में से ये देखना पड़ेगा कौन सा बनाएगा, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चिंता मत करो, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, CH3CH2, ध्यान देना CH3CH2OCH3। अब आप बताओ जरा इसके साथ HI की रिएक्शन हो रही है, इसके साथ HI की रिएक्शन हो रही है, तो इन दोनों में से एक के साथ आई जुड़ेगा और एक के साथ OH, मतलब कि एक बनाएगा अल्कोहल और एक बनाएगा बोलो हेलो अल्केन। अब कौन सा अल्कोहल कौन सा हेलो अल्केन बनाएगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो हंसिका, मैंने बोला कि दो मेरे पास ग्रुप है, अब एक बनाएगा अल्कोहल और एक बनाएगा हेलो अल्केन। वैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट एक छोटी सी बात बोलूंगा, उसको फिलहाल के लिए याद रखो, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा उसका। जो छोटे वाला ग्रुप होता है ना, जो छोटे वाला होता है इन दोनों में छोटा कौन है? CH3। अगर मान लो एक तरफ प्राइमरी, एक तरफ 2 डिग्री हो, फिर छोटा कौन है? एक तरफ 1 डिग्री हो, एक तरफ 2 डिग्री हो, तो 1 डिग्री वाला छोटा है। अरे यार ऐसे तो होता है, छोटा ग्रुप मतलब जिसमें हिंड्रेंस कम हो। हिंड्रेंस किस पे कम है? CH3 पे। तो आप ध्यान रखना, आयोडीन यानी जो हैलोजन है वो हमेशा कम भीड़ वाले से जुड़ेगा, हैलोजन कम भीड़ वाले से जुड़ेगा। तो दूसरे वाला बोलो क्या बनाएगा? दूसरे वाला अल्कोहल बनाएगा। तो मुझे बताओ मेरा आंसर क्या आएगा? CH3I प्लस में बोलो क्या? लेकिन अब ये तो आप कहेंगे सर ये तो रटी-रटाई बात होगी, इसमें लॉजिक कहाँ है? लॉजिक बताऊंगा, आप बस सुनिएगा। अभी तो मैंने बस बात वैसे बोली, मैं इसका प्रूफ दूंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में पूरा हमें लॉजिक बताया, वो क्यों अटैक नहीं करता 2 डिग्री 3 डिग्री पे भीड़ भाड़ की वजह से। यहां भी बताएंगे ऐसा क्यों हुआ कि छोटे वाला आई से जुड़ा और बड़े वाले ने अल्कोहल बनाया। लेकिन पहले तुम्हें एक बात तो समझ में आए कि ईथर जब कभी भी HI से रिएक्शन करेगा, ए बातें मत करो भाई, ईथर जब कभी भी HI से रिएक्शन करेगा तो सर एक पार्ट अल्कोहल बनाने जाएगा और एक पार्ट क्या बनाएगा? हैलोन के। मैकेनिज्म करा दूंगा, चिंता मत कर, लेकिन ये वाली बात समझ में आती है। दूसरी बात सुनो, कहता है कि अगर HI एक्सेस में हो तो, इफ HI इज इन एक्सेस, अगर वो लिखे तो ही करना है। अगर बच्चों HI एक्सेस में है तो ध्यान रखना, ये जो ROH तुम्हारा बना है ना, बाद में ये भी HI से फिर रिएक्ट करेगा, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो जानते हैं ना HCl HBr ये सब एसिड होते हैं, और उसके सामने ये कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह। तो मुझे बताओ एसिड बेस की रिएक्शन में क्या निकलेगा? H2O क्या निकलेगा बोलो? और मुझे बताओ क्या बन जाएगा? RI प्लस में बोलो क्या बनेगा? H2O। तो कहीं ना कहीं आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व क्या किया बताएं जरा? RH ने तो पहले ही हैलो अल्केन बनाया, RH ने तो, और जो R था उसने बनाया तो अल्कोहल था, लेकिन अगर HI एक्सेस में हुआ तो वो R भी क्या बना लेगा? हैलो अल्केन। दिमाग में इसको फिट करने की कोशिश करो। दोबारा से एक लाइन रिपीट करूंगा, बहुत जरूरी। सर मेरे पास कोई ईथर है RO RH करके, उसका रिएक्शन हुआ HI से, सर इनमें से एक बनाएगा अल्कोहल और एक बनाएगा बोलो क्या? हैलो अल्केन। ये तो कहानी ऐसे चलनी है, बताऊंगा कौन अल्कोहल बनाएगा कौन हैलो अल्केन, यहां तक की बात तो ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इतना उसने ऐड कर दिया कि अगर HI एक्सेस में है, HI अगर उसने एक बात बोल दी कि HI एक्सेस में है, तो ध्यान रखना जिसने अल्कोहल बनाया ना वो भी बोलो क्या बना लेगा? हेलो अल्केन, क्योंकि वो HI से रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, H2O निकलेगा और बन जाएगा हेलो अल्केन। इज दिस क्लियर? तो ये कब होगा बोलो? लेकिन दूसरे वाली चीज कब होगी? जब HI एक्सेस में हो। अगर HI एक्सेस में नहीं तो बोलो क्या बोलोगे? एक ने बनाया अल्कोहल, एक ने बनाया हेलो अल्केन। इज दिस फाइन? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी हिंट आउट करो, क्योंकि खत्म करना है सिलेक्शन को। बताओ सही है? तो मैंने जो रिएक्शन लिखी है वो आपको समझ में आ रही है? एक ने बनाया अल्कोहल और दूसरे ने बना लिया, अभी मैं मान के चलता हूं HI एक्सेस में नहीं है। अगर HI एक्सेस में होगा तो क्या होगा? क्या चीज? हाँ HI रहेगा, चलो मान लेते हैं। अगर HI एक्सेस में हुआ तो, इफ HI इज इन एक्सेस, बताओगे क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? सर जिसने अल्कोहल बनाया है ना वो भी फिर से HI से रिएक्शन करेगा, H2O निकलेगा। अरे यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? तो छोटे वाले ने भी आयोडीन के साथ जुड़ा और बड़े वाला भी लास्ट में आयोडीन के साथ, लेकिन ये तब जब HI किसमें बोलो? अदरवाइज कहां छोड़ना पड़ेगा? ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा रिएक्शन को। समझ नहीं आ रहा कुछ भी? कुछ सेकंड का ब्रेक लो, दिमाग में सोचो कि मैंने क्या बोला, अच्छे से सोचो। ईथर मेरे पास है, बहुत जरूरी रिएक्शन है भाई, इधर कंफ्यूजन मत पैदा करना बिल्कुल भी दिमाग में, यहां कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ईथर आपके सामने, ईथर ने रिएक्शन बोलो किससे करा? बोलो HI से। जब ईथर ने रिएक्शन बच्चों HI से करा तो ध्यान रखना एक जगह से बॉन्ड टूटेगा। अगर बॉन्ड यहां से टूटा तो ये अल्कोहल बनाएगा, और ये वाला बोलो क्या बनाएगा? हैलो अल्केन जुड़ेगा। यहां से टूटता तो ये बनाता अल्कोहल RHOH और ये बनता RI, ये तो होना है। अब दूसरी बात क्या है सर? एक ने बनाया हेलो अल्केन, एक ने बनाया अल्कोहल, लेकिन सर अगर कहते हैं HI एक्सेस में हुआ तो जिसने अल्कोहल बनाया वो HI से फिर से रिएक्ट कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो भी आयोडीन से जुड़ जाएगा, मतलब दोनों ही हेलो अल्केन बना लेंगे, RH भी और R भी। यही मैंने करा। देखो जब रिएक्शन कराया तो एक ने बनाया अल्कोहल, एक ने बनाया हेलो अल्केन, और जो अल्कोहल बनाया था अगर HI एक्सेस में है तो उससे कंबाइन होकर फिर से आयोडीन से जुड़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सर ये है, सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला
अल्कोहल बनाएगा और कौन से वाला आयोडीन से जुड़ेगा, ये दुविधा मैं आपकी खत्म करता हूँ, आ जाओ। तो मुझे तुम बस इतना बताओ, ए इधर, मैंने आपसे एक बात कही थोड़ी देर पहले, बताओ क्या बात कही। मैंने कहा कि जो छोटे वाला होगा, ए जो छोटे वाला होगा वो किससे जुड़ेगा बोलो, और बड़े वाला बोलो किससे जुड़ेगा। चलो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। बच्चों बोर्ड पे ये है भाई मैकेनिज्म इसका, मुझे बताओ जरा, ये मेरे पास इतर है, सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, एच आई कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा यार। आई बॉन्ड लेके जाएगा, एच पे आएगा प्लस, एच पे क्या आएगा, अब एच का प्लस ढूंढेगा किसी माइनस वाली चीज को, या फिर एच प्लस किसको ढूंढता है, या तो नेगेटिव चीज को या फिर किसी इलेक्ट्रॉन रिच साइट को। ऑक्सीजन जो है आप लोग जानते हैं कि लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, ईथर में बने हुए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बोलो 6, और याद करो कि इसमें से 2 ही बॉन्ड बना रखे, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके भी बचे पड़े। अरे 2 बॉन्ड बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इधर एक इधर, बाकी तो उसके भी तो हैं। ध्यान रखिए ऑक्सीजन के पास है भैया इलेक्ट्रॉन रिच साइट एच प्लस, बहुत बार कंबाइन करा यार मैंने इस चैप्टर के अंदर एच प्लस को ऑक्सीजन से। एच प्लस तो है पॉजिटिव, ऑक्सीजन बोलो क्या है न्यूट्रल, पॉजिटिव न्यूट्रल कॉम्बिनेशन कैसा आता है, पॉजिटिव, सिखाया था मैंने आप लोगों को। और मैंने ये भी देखो पिछला जितना अच्छा पढ़ के आएंगे ना उतना बेहतरीन समझ में आने वाला तुम लोगों को। तो स्टेप नंबर 1 पे क्या होने वाला है बच्चों, प्लीज इधर भाई, स्टेप नंबर 1 पे क्या होने वाला है बच्चों। सो हुआ कुछ इस प्रकार से कि सर CH3 CH2 O के साथ में क्या हुआ, सर O के साथ में जुड़ गया एच, कौन जुड़ गया बोलो, और क्या तुम बताओगे कि वो था पॉजिटिव और ये था न्यूट्रल, तो रिजल्ट बोलो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस पे जाएगा बोलो, ऑक्सीजन पे। अब ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रही ना तो भैया आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, कि अगर ऑक्सीजन में समझ में नहीं आया ना प्लस कैसे आया, ये मैं आप लोगों को 3 से 4 बार बता चुका हूँ चैप्टर के अंदर कि क्यों प्लस आया। एच प्लस के पास नहीं है एक भी इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्ड बनाएगा अगर ऑक्सीजन से तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहां से आएगी 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है, एक अपने पास रखता है एक उसको देता है, एक जब उसको देता है इलेक्ट्रॉन तो एच का प्लस हट जाता है। मेरी बात को समझो, मैंने क्या बोला, समझ नहीं आया क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अरे यार जब H+ जुड़ता है तो H+ के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो, ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब ये H+ इसे जुड़ता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके इस्तेमाल होते हैं बोलो, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसका प्लस हट जाता है कॉन्सिक्वेंटली, लेकिन किसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यूज होते हैं। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो भाई, और ये मेरे पास बोलो कौन है, आई माइनस है, कौन है बोलो। स्टेप नंबर 1 किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, स्टेप नंबर 2 पे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर है, क्या हुआ है बताओ जरा, मेरे पास जो ईथर था उसके ऊपर सर एच प्लस ने अटैक कर दिया और वो कुछ ऑक्सीजन को पॉजिटिव बना चुका और आई माइनस है। अब सर आई माइनस में ढूंढ रहा है कि मैं किससे कंबाइन हूं, अब ये बहुत बहुत क्रूशियल स्टेप है। CH3 CH2 O पे H और CH3, अब यार मुझे एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो आप लोग मुझे बताना है अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो न्यूट्रल रहना चाहता है, इन कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, बोला एग्री करते कि नहीं करते, और जब वो इन इलेक्ट्रॉन से कार्बन को खींच रहा होगा तो ये भी पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा और ये भी पार्शियल, तो आई माइनस जो है ना वो सोचेगा मैं अब अटैक करूंगा, आई माइनस क्या करेगा बोलो, अटैक करूंगा भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करना यार। इस ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव आएगा तो वो इस कार्बन से भी अपनी पॉजिटिविटी खत्म करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन खींच के, जिसकी वजह से उसको पॉजिटिव बना देगा पार्शियली, और इससे भी खींचेगा तो इसको भी क्या बना देगा बोलो, पार्शियली पॉजिटिव। अब आई माइनस सोचेगा किससे कंबाइंड हो, आप बताओ, अगर खुद आप आई माइनस होते तो इस पे अटैक करते या इस पे अटैक करते, CH3 पे, जिस पे भीड़ भाड़ बोलो क्या है कम, इस कार्बन पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे लगे हुए 2 तो हाइड्रोजन और एक पूरा बड़ा ग्रुप CH3, तो किस पर अटैक करना आसान है, इसके ऊपर अटैक करेगा, समझो मेरी बात को, किसके ऊपर अटैक करेगा बोलो, इसके ऊपर। मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी सी चीज करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं एक चीज कर रहा हूँ, आप लोगों को लगे सर ने मिटो क्यों दिया, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस पैटर्न अच्छा दिखने के लिए करा ऐसा मैंने, मैं उसको इस तरफ रख रहा हूँ, इसको इस तरफ रख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, चीज तो वही रहेगी, अरे यार चीज तो वही रहेगी ना। चलो बोलो एच आई से बॉन्ड निकला, एच प्लस किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑक्सीजन के पास बोलो क्या होते हैं लोन पेयर, तो मुझे बस फटाफट से बताओ क्या बनेगा, CH3 O के ऊपर बोलो क्या आएगा, एच प्लस, और बोलो क्या बच्चों, CH2 CH3 और बोलो क्या आएगा बच्चों, आई माइनस। स्टेप नंबर 2 पे क्या होने वाला है सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, सर यहां पर क्या होगा, ए क्लास बिल्कुल बातें मत करा करो ऐसे टॉपिक्स के बीच में, यहां पर है बच्चों आई माइनस। अब आप मुझे बस इतना बताओ चल क्या रहा है, सर ये ऑक्सीजन अपनी अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए उससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इससे भी खींच रहा है, जिसकी वजह से दोनों कार्बन को वो पार्शियली पॉजिटिव कर चुका है, लेकिन ये अटैक करने के लिए किसको चूज करेगा, जिसके ऊपर भीड़ भाड़ बोलो क्या होगी कम,
तो इसने किसके ऊपर अटैक करा, इसने इसके ऊपर अटैक करा, और जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक करा ऑक्सीजन ने क्या करा, ए इधर भाई, ऑक्सीजन ने क्या करा, ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाने के लिए इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा, कौन सा रिएक्शन होगा, SN2, कौन सा होगा बोलो, फिर दोबारा ऑक्सीजन ने अपने प्लस को हटाने के लिए बॉन्ड छीना, निखिल ऑक्सीजन ने अपने प्लस को हटाने के लिए बॉन्ड छीना, जैसे ही इससे बॉन्ड छीना ये कार्बन पूरी तरीके से बोलो जैसे ही ऑक्सीजन से इसने बॉन्ड छीना ये कार्बन पूरी तरीके से बोलो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव आई माइनस कंबाइन हो जाएगा, बोलो आंसर क्या आएगा, CH3I। और मुझे बताओ जरा वो क्या बन गया, एक बार इसको देख में देखो क्या बन गया, OPA प्लस हट गया, बोलो क्या बन गया, CH3CH2OH। इसका मतलब सर एक बात क्लियर होती है, ईथर में जो बड़े वाला होगा वो अल्कोहल बनाएगा, छोटे वाला आयोडीन बनाएगा। तो बताओ अगर एक तरफ 1 डिग्री हो और एक तरफ 2 डिग्री हो तो कौन सा वाला हैलोजन बनाएगा, कौन सा वाला अल्कोहल, 2 डिग्री वाला अल्कोहल और 1 डिग्री वाला, अभी 3 डिग्री बात नहीं करूंगा, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें ये समझ में आया कि मैंने क्या बोला है, जरा तुम मुझे इसका आंसर बता दो एक बार, मैं मान जाऊंगा समझ में आ जाएगा मुझे, तुम्हें पता लग गया, चलो बताओ। बताओ क्या आएगा, ऑक्सीजन जिस कार्बन से वो 1 से तो 1 डिग्री हो गया, ऑक्सीजन जिस कार्बन से वो 2 से 2 डिग्री हो गया, चलो बोलो क्या आएगा, आई माइनस को जब मौका मिलेगा तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर, इसके ऊपर ना नितिन, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो मुझे बताओ आई कौन लेके जाएगा, छोटे वाला, मतलब मुझे बताओ क्या आएगा, CH3CH2I, और बड़े वाला बोलो क्या बनाएगा, समझ ही नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा ना, कुछ भी है, आपको समझ में आ गई वाली चीज, इधर भी 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री, तो किसी भी कुछ भी छोड़ दे फिर क्या, अरे क्लास इधर सुनो यार मेरी बात ध्यान से, फिर फर्क थोड़ा पड़ता है अगर सेम हो, सिमेट्रिकल हो तो, गाइस बोर्ड पे मुझे तुम बस ये बताओ प्रॉब्लम क्या है इस रिएक्शन में, जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है सर, जब ईथर रिएक्ट करता है ना अच्छे से, एक बनाता है अल्कोहल और एक बनाता है हैलोजन, समस्या सिर्फ इतनी सी है कि सर कौन हैलोजन बनाएगा और कौन वाला क्या बनाएगा अल्कोहल। सर मैं आपको बहुत सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ मैकेनिज्म के थ्रू, कि जो छोटे वाला होता है ना अटैक उसी के ऊपर होता है आयोडीन का, और ये बिल्कुल भी मुश्किल स्टेप नहीं है, क्यों नहीं है, एक बार जरा दिमाग लगाओ, एच आई कैसे टूटेगा यार, एच आई ऐसे टूटेगा, आई पे माइनस एच पे प्लस, बोलो बोलो आई पे माइनस एच पे प्लस, और एच प्लस किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, जैसे ऑक्सीजन पे करेगा ऑक्सीजन के ऊपर आएगा एच, यहां पर आ जाएगा प्लस, ये है आई माइनस, आई माइनस चूज टू अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस हिंड्रेंस, है ना, तो वो अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर हिंड्रेंस कम, क्योंकि ऑक्सीजन के पास, गाइस गाइस गाइस, ऑक्सीजन यहां से भी बॉन्ड तोड़ सकता है अनुराग, ऑक्सीजन यहां से भी बॉन्ड तोड़ सकता है, यहां से भी तोड़ सकता है, बट वो कहां से तोड़ेगा, जहां से दूसरी चीज जुड़ने वाली, तो उसके जुड़ेगी ये वाली चीज, तो यहां से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, इसके साथ तो मैं कंबाइन होता हूं, समझो मेरी बात को, नहीं यार बस में, तो छोटे वाले के साथ बोलो कौन जाएगा हैलोजन, और बड़े वाले के साथ बोलो कौन जाएगा अल्कोहल, तो मुझे बस ये बताओ जरा फटाफट से, इन दोनों में छोटा कौन है, ये रहा, इसके साथ बोलो कौन गया हैलोजन, बड़े वाले के साथ बोलो कौन गया अल्कोहल, रिएक्शन तो इतनी है बच्चों, लेकिन लेकिन सोचो अगर मान लो कि इसमें ये बोल देता कि एच आई एक्सेस में है, इफ एच आई इज इन, तो बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर तुम एक एक चीज सुन रहे हो ना कहीं नहीं फंसने वाले, मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं है, तो ये भी क्या बना लेगा सर, बहुत अच्छे, तो 2 डिग्री वाला भी सर क्या बना लेगा, रिएक्शन देखो आज ना पूरी नहीं हो पाएगी, इसमें कुछ और बातें भी मुझे ऐड करनी 3 डिग्री को लेके, लेकिन जहां छोड़ रहा हूं ना वहां तक का क्लियर हो, चलो दोबारा सुनो भाई, आज मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू करा यहां से, यहां से मुझे सब बच्चे बताओ, 2 से 3 मिनट का रिकैप है, बोर्ड पे बस ध्यान रखेंगे और सुनेंगे, मैंने आपको सब बच्चों को बोला इधर स्टार्ट कर रहे हैं, इधर होता है आर ओ आर तो सिमेट्रिकल इधर, आर ओ आर डैश तो अनसिमेट्रिकल इधर, सबसे पहली रिएक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी, आज नहीं करवाई मैंने, मैंने बोला था कोई भी अल्कोहल अगर 443 केल्विन पे रिएक्ट करेगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा इटसेल्फ और ये बन जाएगा अल्कीन, लेकिन अगर सर 413 पे हुआ तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करता है, अटैक करता है, जिसके कारण बोलो क्या बनती है ईथर, तो लो टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूशन का टाइम मिल जाता है, हाई टेम्परेचर पे चीजें एलिमिनेट हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, फास्ट होती रिएक्शन थोड़ी सी, क्लियर है कि नहीं, तो 443 पे बनेगा अल्कीन, 413 पे क्या बनेगा बोलो ईथर, ये वाली बात क्लियर है, अब मीथेन बेसिकली ईथर ही बना सकता है, वो अल्कीन नहीं बना पाएगा, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं, लेकिन अगर आपको वहां पर आंसर करना तो आप डेफिनेटली ईथर ही करना, क्योंकि इसमें अल्कीन का वो स्कोप ही नहीं है, एक कार्बन पे कैसे बनाओगे ना, लेकिन मिनिमम अल्कीन 2 कार्बन की बनती है, चलो ए क्लास तुम मुझे बताओ जरा, पहले तुम्हें दोनों बातें समझ में आ गई, सब बच्चों को
पढ़ने लग जाओ बच्चों, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों ने तरीके से सारी पढ़ाई करी ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग थोड़ा सा अपना सिस्टम सुधार लो, थोड़ा सिस्टम सुधार लो, मतलब कि जितना आपको पढ़ा रहे हैं आप कंटिन्यूस बेसिस पे इतना पढ़ लो। अभी हो सकता है कुछ कुछ चीजें हम छोड़ देते हो पढ़ते हुए कि टॉपिक्स कर लिए, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनवाए सर ने, कुछ बैक एक्सरसाइज नहीं करवाई, लेकिन यकीन मानिए लास्ट में हम सब कुछ कर चुके होते हैं। लेकिन पहले यही करना जरूरी होता है, पहला काम होता है कॉन्सेप्ट करना, वो हो रहा है हमारा। सेकंड काम होता है कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनाना, वो बाद में होगा, पहले आप ये सीख लीजिए पहले अच्छे से। तो सब बच्चों को ये वाला पैटर्न समझ में आया? अब सब बच्चे बताओ विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या था? सर मेरे पास एक सोडियम एल्कोक्साइड जैसी चीज है, कहां से आई? इधर कहां से आई? सर ये आई जब कोई अल्कोहल किससे रिएक्ट करता है? बोलो बेस से। तो सॉल्ट बनता है, दिस सॉल्ट इज अ सोडियम एल्कोक्साइड। व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद मीथेन अनुराग, सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद द हैलोजन, सर हैलोजन आगे से निकलेगा, वो पीछे से अटैक करेगा, सर ईथर बनेगा, ईथर बनेगा। क्लियर है बच्चों यहां पर? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सर ध्यान रखना जिसको अटैक करना है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो, बट जिस पर अटैक करना है वो क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री तो ही ईथर बनेगा, अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो ईथर नहीं बनेगा। ऐसे में बनती है अल्कीन, क्योंकि वो वहां से हैलोजन तो निकल जाता है, हैलोजन तो निकल जाता है, तो कार्बन के ऊपर प्लस आता है, लेकिन पीछे से वो अटैक नहीं कर पाता, तो वो हाइपर कंजुगेट करके बोलो अपने आप को क्या बना लेती है? अल्कीन बना लेती है। सब कुछ स्टोरी की तरह है यार, बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं ये चीज। तो मुझे बताओ जरा, ये वाली बात समझ में आ रही है? ये बात नहीं, अल्कीन वाला पैटर्न समझ में आ गया पक्का? नाजिया, उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या करवाया? उसके बाद मैंने तुम लोगों को ये रिएक्शंस करवाए, उसके बाद मैंने तुम लोगों को, हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यूशन लेके चलूंगा दोबारा से। लेकिन सुन लीजिए, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के जाइए। ईथर जब HA से रिएक्ट करता है बच्चों, ईथर जब किससे रिएक्ट करता है? बोलो HA से। तो इनमें से बॉन्ड जब टूटेगा ना, तो एक बनाएगा हेलो अल्केन और एक बनाएगा अल्कोहल। दोबारा सुनो, एक बनाएगा हेलो अल्केन और एक बनाएगा, कौन सा वाला हेलो अल्केन बनाएगा? बस आज इतना याद करके जाओ, छोटे वाला हेलो अल्केन, बड़े वाला अल्केन। और अगर HA एक्सेस में है तो जिसने अल्कोहल बनाया है वो भी उससे वापस से रिएक्ट करके बोलो क्या बना लेगा? हेलो नहीं आ रहा सर। तो मुझे बताओ इस कारण से, ए इस कारण से बताओ इन दोनों में छोटे वाला कौन है? CH3, इसने बनाया आई, दूसरे वाले ने क्या बनाया? अल्कोहल। और सर अगर HA एक्सेस में हो तो जिसने अल्कोहल बनाया वो भी HA से रिएक्ट करके, नहीं आया ना समझ में? मैं कह रही से मुश्किल था, क्लियर होता है? फिनिश करें जाओ। Thank you.